हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शरारा शेयर किया था जो मैंने साड़ी से बनाया है। तो ये नेट की साड़ी है जिसे मैंने रीयूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने साथ में इसके लिए जो अस्तर के कपड़े हैं वो भी लिए हैं, जो साटन के हैं, और एक कॉटन का लिया है। तो इस टाइप की ये साड़ी थी नेट की, जिसमें सिक्वेंस का वर्क है। और साथ में मैंने ये एक फैब्रिक अलग से लिया है नेट का 2 मीटर। तो ये जो कपड़ा है मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने हाफ़ हाफ साड़ी थी ये, और मैंने हाफ़ साड़ी का जो है वो बना लिया था एक और ड्रेस। तो ये गाउन मैंने बनाया था। तो जो सूट की कटिंग स्टिचिंग है वो बिल्कुल एकदम इजी है, और बहुत सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है सूट जो होते हैं, कुर्ते जो होते हैं उनकी कटिंग स्टिचिंग। तो उसी टाइप से ये कुर्ती जो है वो मैंने बनाई है। बस थोड़े से डिज़ाइनिंग मैंने इसमें स्लीव्स वगैरह में की है, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो कुर्ती मेरी रेडी हो गई है और शरारा भी मेरा रेडी हो गया है। तो देखिए, पुरानी साड़ी से हम कितनी सुंदर ड्रेस बना सकते हैं जो हम पार्टी वगैरह में, मैरिज वगैरह में कहीं भी हम पहन के जा सकते हैं। तो इस टाइप से ये कुर्ती बना ली है मैंने, और बिल्कुल प्लेन मैंने कुर्ती बनाई है। इस पे मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, शरारे पे लगाया है बस बॉर्डर, जो साड़ी का बॉर्डर था। और बैक साइड में जो है वो प्लेट्स भी लगाई हैं मैंने बैक में, और ये शरारा बन गया है इसका। तो इसमें थोड़ा सा जो बीच में थोड़ा सा जोड़ आया है, और बाकी ये बिल्कुल एकदम लग भी नहीं रहा है कि ये साड़ी का बनाया हुआ है शरारा सूट। तो इस शरारे की जो कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, और साथ ही बहुत सारी ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तक मैंने अपनी जो मेरी पुरानी साड़ियां हैं बहुत सारी ड्रेसेस आपके साथ शेयर की हैं। तो जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि हमें कौन सी साड़ी से कौन सी क्या ड्रेस अच्छी लगेगी, हम उसी हिसाब से हमें बनानी चाहिए। और साड़ियाँ जो है वो अलग अलग टाइप की तो होती हैं, तो किस टाइप की हमारी साड़ी है, जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी ड्रेस इसमें अच्छी लगेगी। आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी पुरानी एक साड़ी से शरारा सूट। तो नेट की ये साड़ी है, और किस टाइप की ये साड़ी है, इस टाइप की ये साड़ी है, देखिए। तो ये जो साड़ी थी तो काफ़ी बार मैंने पहन ली थी, और बहुत पता भी ना चले कि ये साड़ी से बनी हुई है। तो उसमें क्या है, मैं क्या ऐसा हमें करना है जिससे वो देखने में लगे ना कि साड़ी की ड्रेस है, वो भी पुरानी साड़ी की। तो बहुत सारी ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो साड़ी से बनी हुई हैं, और वो भी बहुत पुरानी साड़ियों से भी मैंने काफी ड्रेसेस बनाई हैं जिनका मतलब पता भी नहीं चलता कि ये साड़ी से बनी हुई। साड़ी जैसे फट जाती है या जल जाती है या भी डिफेक्ट अगर आ जाता है तो हम साड़ी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शरारा सूट मैंने बनाया है साड़ी से। तो किस टाइप से मैंने बनाया, तो ये देखिए, नेट की साड़ी थी ये, और इस टाइप की साड़ी थी। और ये जो साड़ी थी मेरी, तो मुझे जो था ये वाला जो इसका फैब्रिक था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने चेंज किया था। तो मैंने ये नेट का एक फैब्रिक लिया था अलग से, और फिर मैंने इसको मॉडिफाइड किया था साड़ी को, और फिर उसके बाद भी मैंने काफी बार पहन ली थी तो मुझे अब रीयूज करनी थी। तो मैंने बनाया शरारा सूट, तो इसमें बॉर्डर इस टाइप का ही दिया हुआ था। तो ये बॉर्डर जो है वो मैंने बस नीचे की साइड लगाया शरारे में, और शरारे की जो कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है पिछली वीडियो में। तो है इसका सूट बनाया है साथ में, तो ये मैंने फैब्रिक लिया था नेट का अलग से, और क्योंकि ये मैंने ड्रेस बनाई थी तो इससे पहले भी जो ये साड़ी हाफ हाफ थी, तो हाफ वाला जो पार्ट था उसकी मैंने ये ड्रेस बनाई थी, और ये भी बहुत ही सुंदर मेरी ड्रेस बनी थी। जो नीचे वाला फ्लेयर वाला पार्ट होता है जो हम घूम मरते हैं जिसमें, तो इस टाइप का इसमें डिजाइन दिया हुआ था। हाफ साड़ी बच गई थी तो उसमें से मैंने बनाया है शरारा सूट, तो उसके लिए मेरी जो पल्ला वाला एरिया था वही खाली रह गया था, तो इसलिए मैंने ये शरारा बना लिया है उसका जो बाकी का पार्ट रह गया था। और ये जो लिया है मैंने फैब्रिक अलग से लिया है, और ये 2 मीटर मैंने लिया था। तो इस तरह का ये फैब्रिक था, इस पे ये जो है वो गोटा पट्टी से बनी हुई डिजाइन है, और नेट का है ये भी। तो ये इस तरह से सिलाया मैंने, बिल्कुल सिंपल सिलाया, और प्लेट्स डाली हैं पीछे 2। जो हमारा शेप है ना वो अच्छा सा आता है, क्योंकि पीछे जो कमर पे हमने ये प्लेट्स डाली हैं उससे अच्छा सा फिटिंग आती है। तो स्लीव्स मैंने इस टाइप की बनाई हैं, तो ये पफ स्लीव्स हैं और यहां तक आती हैं ये स्लीव्स। और उसके बाद ये जो नेट था, तो ये जो मैंने यहाँ फोल्ड किया था, तो
ये दिखाई दे रहा था ये जो है इसका, तो ये बड़ा बेकार सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके लिए क्या करा ना मैंने, जो प्लेन वाली इसकी ये थी नेट, तो वो मैंने कट करके और यहाँ फ्रिल बना के और यहाँ लगा दिए चारों तरफ। तो इस तरह से हम मतलब थोड़ा सा माइंड लगा के और साड़ी की जो ड्रेस बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सी बनती है। और जो नीचे वाला पार्ट था जो मैंने फोल्ड किया था, तो अगर मैं ज्यादा फोल्ड कर देती तो यहाँ से दिखाई देता और जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ प्लेन वाला जो नेट था वो लगाया है और फिर उसके बाद फोल्ड किया है, क्योंकि इसमें डिजाइन था और उसको हम फोल्ड करते तो यहाँ थोड़ा बेकार सा हमारा डिजाइन आता, इसलिए मैंने प्लेन नेट का यहाँ यूज किया है। और कॉटन का जो है यहाँ लाइनिंग लगाई है, क्योंकि नेट वैसे भी काफी इरिटेट करता है, तो कॉटन का हम अगर लाइनिंग लगाएंगे तो ये थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। और उसके बाद जैसे ये जो हमारी स्लीव्स हम लगाते हैं तो ये यहाँ से दिखाई देती है नेट का, जब भी हम कुछ कपड़े बनवाते हैं, सूट बनवाते हैं, ड्रेस बनवाते हैं, तो यहाँ से जो ये सिलाई इस तरह से ये आगे यहाँ फोल्ड हो जाती है ना, तो यहाँ से दिखती है, ये बहुत ही मतलब बेकार लगती है। तो उसके लिए क्या करना है कि इस तरह से मैंने किया है, ये यहाँ पे पूरे में मैंने पीको कर दी है और उसके बाद मैंने ये हल्के हल्के यहाँ से धागे से और अंदर की साइड इस पे तुरपन कर दी है, तो ये दिखाई नहीं देता है। और देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये सूट बन गया है, तो ये लग भी नहीं रहा है कि ये पुरानी साड़ी से बना हुआ है। तो ये जो साड़ी की हम ड्रेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हम जैसे साड़ी किस हिसाब की है उस हिसाब से हमें साड़ी में ये मतलब ड्रेस में हमें इसको यूज करना होता है। तो ये शरारा मैंने इस टाइप से बनाया है, इसमें थोड़ा सा यहाँ ज्वाइंट लगाया है प्लेन का, प्लेन फैब्रिक का। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और बाकी बहुत सारी ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। साड़ी से मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई, मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो साड़ियों से बनाई है मैंने, अपनी पुरानी साड़ी थी जो शादी वगैरह की होती है तो उनसे मैंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाई हैं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं लिंक जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देखना जरूर, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है और मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी है, शरारा सूट अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए आइडिया के साथ, कुछ और इसी टाइप की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, कैसे हम पुरानी चीजों को अपनी यूज कर सकते हैं, अपनी साड़ियों को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम साड़ी से, बहुत कुछ बन सकता है साड़ी से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।